ईस्टर्न रेलवे मैन्स यूनियन की 3 दिवसीय केंद्रीय परिषद की बैठक शुक्रवार से शुरू हो गई। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में रेलवे से जुड़े 40 शाखाओं के सचिव के साथ 300 सदस्यों के डेलीगेशन ने हिस्सा लिया, जबकि इसके साथ ही शुक्रवार को भागलपुर स्टेशन परिसर से रैली भी निकाली गई, जो लोहियापुर बड़ा चौक सिकंदरपुर पटेल नगर होते हुए रेलवे कॉलोनी पहुंची, जहाँ रेलवे कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने न्यू पेंशन स्कीम हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने और निजीकरण पर रोक लगाने के साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय परिषद की बैठक को दिल्ली से भागलपुर पहुंचे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने भी संबोधित करते हुए कई बातों पर विस्तार से चर्चा की और रेल कर्मियों के अधिकार के लिए मिलजुल कर आवाज बुलंद करने की बात कही। बेच रही है कौड़ी के भाव में कॉर्पोरेट जगत को देने का बात सोचा है। AIRF उसका विरोध करती है। सबसे बड़ा मुद्दा है वो है NPS को वापस करना और OPS को पुनः बहाल करना। सरकार बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम OPS नहीं देंगे। सरकार से AIRF और हम लोग मांग करते हैं कि आप बताइए कि विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के सदस्य के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है पेंशन पर, जो OPS के तहत पेंशन ले रहा है, वो सरकार डिक्लेयर करे और बताए भारत की जनता को कि बिना काम किए हुए वो सेवा के लिए लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, विधान परिषद में गए हैं, और उसके बाद आप कितने रुपये लेते हैं। अगर चार टर्म चारों सदन का मेंबर हैं तो चारों सदन का पैसा ले रहे हैं। तो जनता को जानना चाहिए कि बिना कमाए ये नेता लोग कितना पेंशन ले रहा है। दूसरा बात है कि OPS के खिलाफ में हम लोग इसलिए हैं कि सीधा NPS के खिलाफ है, सॉरी NPS के खिलाफ में हम लोग इसलिए हैं और OPS के पक्ष में हम लोग इसलिए हैं कि सरकार जो 14% दे रही है और जो स्टाफ से पैसा 10% काट रही है, ये पैसा का हिसाब कहाँ है, किन उद्योगपतियों को दे रहा है और क्यों दे रहा है, कौड़ी के भाव में एकदम लुटा रहा है। प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय में धूमधाम से राष्ट्रीय पोषण माह दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत सेविकाओं के द्वारा स्वागत गान से की गई। इस दौरान सेविकाओं ने गोद भराई, अन्नप्राशन और बेबी शो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का लाभ उठाने की लोगों से अपील की। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों की साफ सफाई, खान पान और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के लिए अभिभावकों को जागरूक होने की बात कही। CDPO रूबी सिंह ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के देखभाल, बच्चों का टीकाकरण और खान पान सहित सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ को जन जन तक पहुँचाना उन सभी की जिम्मेवारी है, जिसको लेकर सभी सेविकाओं द्वारा शपथ और संकल्प भी लिया गया। उन्होंने कहा कि 0 से 6 माह के बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ सके। साथ ही इसके लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर कार्यक्रम का समापन किया गया, जबकि CDPO ने शनिवार 30 सितंबर को पोषण माह जागरूकता को लेकर रैली निकालने के बाद पोषण माह कार्यक्रम के समापन की बात कही। मौके पर पर्यवेक्षिका ममता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, कंचन माला, नवनीत कुमार सहित कई आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रहे। पोषण माह में आज हम लोग अन्नप्राशन, गोद भराई और शपथ ग्रहण करके कल जागरूकता रैली निकाल के इसका समापन कर रहे हैं। छोटे बच्चों ने भी बल्कि समाज के जितने व्यक्ति हैं और जो माता पिता हैं, मेन हमारा जो उद्देश्य है उसमें जागरूकता लाए, पोषण जो है वो दूर हो और हमारा ये पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत कुशवाहा के नेतृत्व में हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा समूला शिव मंदिर में हवन पूजन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान किसान मोर्चा के गोपाल मंडल, सुरेंद्र मंडल, प्रिया कुमारी, सुधांशु कुमार झा सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सपूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मुंबई दौरे पर हाई ब्लड प्रेशर और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट अटैक आने की जानकारी दी और तत्काल उनका इलाज शुरू किया गया। वहीं भाजपा नेताओं ने बताया फिलहाल शाहनवाज हुसैन की तबीयत में काफी सुधार की खबर आ रही है, जबकि डॉक्टरों द्वारा शाहनवाज हुसैन की स्थिति में सुधार को देखते हुए उन्हें आईसीयू से निकालकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। राजनीतिक गुरु, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी को दो दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। मुंबई लीलावती हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, सफल ऑपरेशन हुआ। उसकी लंबी और दीर्घायु आयु के लिए आज सनौला शिव मंदिर में हम लोग जो है हवन किए और 51 नारियल चढ़ाए और जल्द से जल्द स्वस्थ होने का कामना किए। भागलपुर के सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय रैदास नगर दुधैला के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना एवं पुस्तकालय भवन निर्माण को लेकर एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास ने की, जबकि संचालन जमादार दास ने किया। इस दौरान भीमपुर मुखिया चंदन कुमार, निरहट्टी मुखिया अशोक यादव के अलावा राजद नेता दिवाकर मंडल, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शंकर दास और सरपंच गोगन एवं योगेंद्र मंडल ने भी लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। वहीं विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से मुरारका महाविद्यालय के समीप बिहार सरकार की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ पुस्तकालय भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया। मौके पर चंदन कुमार, शंकर दास, शेखर यादव, पंकज शर्मा समेत काफी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड की प्रतिमा स्थापित हो, सभी लोगों ने, पूरे प्रखंड के लोगों ने इनका जो है मूर्ति स्थापित के लिए समर्थन दिया है। प्रदेश युवा जदयू ने अपनी कमेटी का विस्तार किया है, जिसमें भागलपुर के जदयू के युवा नेता आर्यन सिंह को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। वहीं आर्यन सिंह को कमेटी द्वारा प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर जदयू और युवा कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष का माहौल है। बता दें कि इसके पूर्व आर्यन सिंह युवा जदयू भागलपुर के अध्यक्ष और युवा जदयू के प्रदेश सचिव के पद की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। इसके बाद पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए युवा जदयू का प्रदेश महासचिव बनाया है। वहीं युवा नेता आर्यन सिंह को युवा जदयू के महासचिव बनाए जाने पर जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, पप्पू सिंह, तिलकधारी और सदानंद सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और आर्यन सिंह के नेतृत्व में संगठन की मजबूती एवं पार्टी में नए युवाओं को जोड़ने की बात कही। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर पंचायत पश्चिम टोला में देर रात गांव के ही लोगों ने बकरी चोरी करते हुए बकरी के मालिक से 1,00,000 रुपए की रंगदारी देने की मांग की। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष ने रंगदारी नहीं देने पर उसके घर में आग लगाने और घर वालों को जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में तिलकपुर पंचायत पश्चिम टोला निवासी सीता देवी ने थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सीता देवी ने कहा कि रात के 3 बजे गाँव के ही रहने वाले सरिता देवी और प्रेमलता देवी, उसके पति परमानंद दास और उसके पुत्र श्रीकांत कुमार और पन्ना कुमार के अलावा श्री संत कुमार और 3 अज्ञात लोग मुंह में गमछा लपेट कर उसके यहाँ बकरी चोरी करने घुसे और चोरी कर फरार हो गए। इसके बाद में बाजार जाने के क्रम में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक ने हथियार दिखाकर उनसे 1,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर सभी की हत्या कर देने की धमकी दी। इधर मामले की जानकारी पीड़ित पक्ष द्वारा मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 10,000 का मेरा पाठा था, रात में 3 बजे
3 बजे मेरा पाठ आती, उसका बेटा श्रीकांत कुमार उर्फ पन्ना कुमार और श्री शांत कुमार उर्फ संतो कुमार और सरिता देवी, तीनों ने तो मेरा पाठा चोरी किया, 10,000 का था और उसके साथ 3 अज्ञात आदमी भी था। रात में कब तक पाठा था? 10,000 का था और काला गमछा लपेटे हुए था मुंह पे। जब हम सास बहु दोनों मार्केट आ रहे थे तो बाइक पे 2 युवक था, वो भी गमछा लपेटे हुए मुंह पे था, वो भी हमको धमकी दिया। क्या? 1,00,000 रुपया मांगने, बोला 1,00,000 रुपया नहीं देगी तो जान से मार देंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड कॉलोनी मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन गड़बड़ी मामले की खबर प्रसारित होने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक कल्पना रानी ने इस पर संज्ञान लेते हुए वहां कार्यरत रसोइयों को जमकर डांट फटकार लगाई। प्रधानाध्यापिका ने भोजन की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रसोइया को फटकार लगाई और स्कूल के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं बरतने की बात कही। वहीं इसके बाद शुक्रवार को मेन्यू के अनुसार विद्यालय में बच्चों के बीच पुलाव, आलू चना की सब्जी और अंडा दिया गया। कल्पना रानी ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 8 तक की व्यवस्था है लेकिन स्कूल में महज 5 शिक्षक ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण बच्चों के पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है, जबकि रसोईया घर भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। साथ ही कहा कि क्लास रूम की खिड़की भी टूट कर गिर रही है और इन सभी समस्या की जानकारी लिखित आवेदन के माध्यम से शिक्षा विभाग को देने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ जो है खाना बढ़िया मिल रहा है? हाँ, अंडा मिलता है शुक्रवार को? हाँ। मेनू के हिसाब से खाना दे रहा है? हाँ। विद्यालय के उसमें ही समस्याएं हैं, विद्यालय में सब कुछ है लेकिन किचन पूरा जर्जर हो गया है, थोड़ा सा सज्जा भी छत थोड़ा सा जर्जर है।